या तो सब झूठे या मैं झूठा हूँ। ये हैं भोजपुरिया फिल्म के स्टार राजा चौधरी, जो भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए कानपुर आए हुए थे, लेकिन यहाँ इन्होंने शराब के नशे में धुत होकर बिठूर इलाके में जमकर हंगामा काटा और कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की। इस बात की शिकायत जब बिठूर पुलिस से की गई, तो नशे में धुत इस फिल्म स्टार ने थाने में भी हंगामा काटना शुरू कर दिया। बिठूर पुलिस ने जब राजा चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए इनको मेडिकल के लिए भेजा, तो यहाँ भी इन्होंने डॉक्टर के साथ अभद्रता की और कवरेज के लिए पहुँची मीडिया को भी नहीं बख्शा और गाली गलौज करने लगे। कैमरे वाले एनओसी ले लेना मुझसे कहीं दिखाने से पहले। शूटिंग के दौरान और बाद में की गई अभद्रता पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। ये राजा चौधरी भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं। यहाँ बिठूर में संगम का रिश्तों मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर अपने कैमरामैन KR दुबे हैं, उनसे इन्होंने मारपीट की है। और उसके बाद यहाँ बारह सिरोही का जो CHC है, यहाँ पर आकर के भी इन्होंने मीडिया कर्मी और साथ ही साथ जो यहाँ का स्टाफ है उससे भी कुछ बदतमीजी की है, कुछ मारपीट की बात की है। ऐसा सुनने को आ रहा है कि 2 दिन पहले भी इन्होंने किसी लड़की से छेड़छाड़ की, लेकिन पुलिस के पास तहरीर शायद नहीं है, उसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, जिस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म में असलहों के प्रदर्शन कर रहे थे, क्या इसकी परमिशन थी? फिल्म के असलहों के प्रदर्शन की बात जो है मेरे संज्ञान में अभी नहीं आई है। अगर उनके द्वारा बिना अनुमति के ऐसा कोई कार्य किया गया, निश्चित रूप से विधिक कार्रवाई होगी। राजा चौधरी पर इससे पहले भी शराब पीकर हंगामा काटने और लोगों के साथ अभद्रता करने के आरोप लग चुके हैं, और आज फिर कानपुर में मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। न्यूज डेस्क News75.in। महादेव की सौगंध, अगर ये धरती का केंद्रीय बिंदु ना होता तो मैं यहाँ नहीं आता।